नमस्कार, स्वागत है आपका IVN 24 न्यूज़ में। रतलाम जिले के पिपलोदा तहसील की ग्राम पंचायत कमलाखेड़ा के सरपंच और सचिव की दबंगई आई सामने। हम आपको बता दें कि कमलाखेड़ा में रोड न होने के कारण गांव वालों ने सरपंच और सचिव के खिलाफ आवेदन दिया। देखिए पूरी खबर रतलाम जिले से। जाकिर कुरैशी की रिपोर्ट। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अमर सिंह नीलाम है। किस पद पे पदस्थ हैं आप? पटवारी हूँ। कौन से जिले से और कौन सी तहसील से? मैं वैसे रहने वाला सिलाना तहसील से हूँ और नहीं रतलाम जिले का। नहीं, ये किस तहसील में अभी आप कार्य कर रहे हैं? किस पिपलोदा तहसील में। ये ग्राम आपका कमलाखेड़ा, जिसमें ग्रामवासियों को रोड की समस्या है लालपुरा तक, कमलाखेड़ा से लालपुरा तक, मतलब जो ग्रामवासी हैं 250 लोगों की बस्ती है, उनको आने जाने की समस्या है। सर, ये समस्या के बारे में आया पदस्थ हूँ 2 साल से 3 साल से, तब से ये बात मेरे सामने आ रही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि वो रोड मौके पे रास्ता परंपरागत है, रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें एक्शन कर नहीं पा रहे। और ग्रामवासियों को बोला गया, मतलब बताया गया कि आप तहसील न्यायालय केस लगाओ, बिल्कुल किस किस के रास्ता रोका हुआ, जो वो किसने रोका उसको पार्टी बना के, और रास्ता विवाद का केस चलता है, उसमें केस लगा देते, अगर आवेदन लगाते ग्रामवासी मिल गए तो फिर उसकी सुनवाई न्यायालय तहसीलदार से होगी। ग्रामवासियों का ये कहना है कि हमने SDM महोदय को, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं, उसमें हमारा अभी तक के कोई निराकरण नहीं हुआ। नहीं, ज्ञापन दिए, वो ज्ञापन वाली चीज़ क्या है कि ज्ञापन में हम लोग बता रहे थे मौके की स्थिति बता दें कि यहाँ पे, लेकिन जब तक लीगल तरीके से न्यायालय में नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा ना। अच्छा, इस विषय में क्या कहना है कि ग्रामवासी आप लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि पटवारी साहब पैसा ले लेते हैं और SDM साहब आते हैं, मौका देख के वापस चले जाते हैं, हमारा निराकरण नहीं होता है। 2003 से ये रोड पास हुआ हुआ है ये बता रहे हैं वो। पास हुआ हुआ तो पास तो का मतलब विभाग से, कौन से विभाग से हुआ ये इसका जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं 2 साल से पदस्थ हूँ और ऐसी बात तो नहीं है मेरे सामने। तो अभी तहसीलदार साहब और ये घर में मौका देखा था, ये बात सही है, लेकिन जो मतलब लीगल तरीके से, जिस तरीके से अपने को काम करना, कानूनी तरीके से काम करना, वो उस हिसाब से आवेदक अगर ग्रामवासी आवेदन केस करे होगा इसका निराकरण। ओके ओके, धन्यवाद। कहाँ रहते हैं आप? गणेशगंज। कौन सी तहसील में आ गया ये? पिपलोदा। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या साहब कमलाखेड़ा वाले की, सभी की ये समस्या है कि रास्ता बिल्कुल लालपुरम जाने का बिल्कुल बंद है, बहुत परेशानी आती है इन लोगों को। बारिश में अगर बारिश हो जाती है तो पैदल पैदल बेचारा पोटली तोक तोक के कसड़ तेल लेने के लिए जाता है, तो सेड़े सेड़े से इधर उधर से घूम के जाता है, नहीं तो पिपलोदा होके खेड़ा होके 10 किलोमीटर चक्कर काट के आना पड़ता है। कितनी आबादी इस ग्राम की? 200-250 करीबन आबादी है। कितने बच्चे स्कूल जाते हैं आपके यहाँ से? 20 बच्चे हैं। ये समस्या जो आपको रोड की है, इसकी शिकायत आपने सरपंच महोदय से की? आपने सभी ने लोगों ने की, बाकी किसी ने सुनवाई नहीं की आज तक। सचिव से? सबको की, सचिव को भी की, तो हो जाए भाई, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपने इसकी शिकायत और कहीं आगे की? और भी की, आवेदन दिया था कलेक्टर ऑफिस में भी दिया। क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं, हो जाएगा, और जाए काम आएगा, तहसीलदार साहब आए, गिरदावर साहब आए, कोई आया नहीं, कोई किसी ने समस्या हल नहीं की। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? बहुत परेशान है। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन? रास्ता सही है, हमें रास्ता रोड होना चाहिए कमलाखेड़ा से लालपुरा तक जाने आने के लिए। ओके ओके, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा कमला शंकर बेरूलाल पटेल, पटेल कमलाखेड़ा। क्या समस्या आप लोगों की? हमारे यहाँ रास्ते की समस्या, सब किसी भी प्रशासन वगैरह से हम चक्कर काट के थक गए हैं, शासन प्रशासन सब मिल कोई नहीं, ये बताते हैं यहाँ पे रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, पर अब ये रास्ता परंपरागत रास्ता है, परंपरागत है, जो सब्बलगढ़ का नाम से जाना जाता है। रास्ता मान लो कागजात में डाला हुआ नहीं है, पर जमीन सब सरकारी है, यहाँ से वहाँ से कमलाखेड़ा तक जो भी जाती है जमीन सब सरकारी जमीन है। आपने ये शिकायत सचिव को या सरपंच को की? हाँ, सचिव सरपंच सब हो गए। क्या नाम है आपके सरपंच का? पहुँच गए सरपंच का टीना कुमार। और सचिव का नाम क्या है? दिलीप चौहान। क्या इनसे शिकायत करने के बाद में क्या आश्वासन मिला? हमारा काम नहीं है ये, हमारे यहाँ पंचायत के अंतर्गत काम नहीं आता है। वो आपके साथ में गए कहीं? कहीं नहीं गए, नहीं जाते, आते ही नहीं होते।
तो सरपंच होने के पद पे मतलब वो होते हुए मतलब आप लोगों के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब वो ये बता दे कि हमारा काम नहीं है, पंचायत का काम नहीं है, ये राजस्व विभाग का काम है। राजस्व को बता दे कि यहाँ रास्ता डाला हुआ नहीं है, और रास्ता डाला हुआ नहीं है, जमीन सब शासकीय भूमि है, यहाँ से वहाँ तक जुड़ जाती है और यहाँ तक सीमित नहीं, आगे दूसरे गाँव में भी जाती है। ये इस ग्राम की आबादी कितनी है? यहाँ की आबादी कम से कम 250 मकान है आबादी। यहाँ से स्कूल बच्चे कैसे जाते हैं? कमलाखेड़ा का मजरा है और वार्ड क्रमांक 1 है, कीचड़ से जाते हैं और जाते हैं। नहीं, कौन सा रोड है? अगर ये रोड बंद हो जाता है, आपका ये रास्ता बंद हो जाता है, किधर से जाना पड़ता है? कितने किलोमीटर का रास्ता काटना पड़ता है? 10 किलोमीटर पड़ता है। और यदि इस रोड से जाते हैं तो कितना पड़ता है? 1.5-2 किलोमीटर। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? हमारा रास्ता साफ कराए और रास्ता रोड बनाए, सड़क बनवाए। ओके, धन्यवाद।